Hello, students. Last sum, we have done related to the loan and payment of loan, right? Basically, it's a retirement. जब retirement होती है तो कोई partner exit होता है तो उसका जो पैसा है वो loan के form में form रख सकती है और जैसे bank को installment देती है उस तरीके से installment में payment होता है वो हमने देख लिया, ठीक है? How the interest is calculated and how everything will be entered in the book. All those things we have seen. Now, what we are going to understand is adjustment of the capital when the total capital of the firm, new firm, is given. माने अभी जो हम समझ रहे हैं, practically speaking, the step up sums are not in a way a full fledged sum. No. These are adjustments. Which you will find in any big sum. तो ये particularly एक ऐसी situation है कि जिसमें at the end जो closing balance होती है वो after retirement adjust होती है, ठीक है? जब कोई partner retire हो जाता है तो बाकी के partner अपनी capital को भी adjust करते हैं कई बार किसी नए ratio में, right? तो वो किस तरीके से होगा? तो ये जो सिचुएशन अभी आप इस सब में देखेंगे उसमें जो कैपिटल्स होगी वो क्लोजिंग है, माने सारे एडजस्टमेंट हमने कर दिए, अब जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होने वाली कैपिटल है वो हमें दी गई है, समझ रहे हैं आप? सो इन अ वे इट्स नॉट अ सम बट इट्स गोइंग टू बी एन एडजस्टमेंट इन अ बिग सम। तो इसे समझने के बाद किसी बड़े सम में जब ये बात एज एन एडजस्टमेंट आएगी तो क्लियर हो जाएगी। तो इन अ वे दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन फ्रॉम द एग्जामिनल पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस आर गोइंग टू यू नो क्रिएट अ बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सो दैट व्हेन एनी बिग सम कम्स दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट कम्स यू कैन इजिली डील। तो उसके लिए सम है। सो वी कांट एक्सपेक्ट कि ऐसे सम एग्जाम में हो, नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटे सम्स हैं एंड नॉर्मली फॉर स्मॉल सम्स देयर आर मेनी अदर चैप्टर्स। So this is just understanding, ये समझने के लिए है ताकि इसका उपयोग आने वाले समझ में हो तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है? The adjustment of capital when the total capital of the new firm is given. PVR, the partners of firm sharing profits and loss in the ratio of 5:3:2. R retires and after the adjustment of the profit of the revaluation, reserve and goodwill, partners' capital stood 50, 70 and 80 respect. जिस मैंने बोला After the adjustment of revaluation, माने revaluation का profit आपने transfer कर दिया, reserve distribute कर दिया, goodwill की treatment जो थी वो भी दे दी, और वो करने के बाद जो capital आएगी, that is this. So it's a closing capital. They are not saying it's a closing capital, but this phrase says itself, it's a closing. The entire capital of the newly constituted firm is fixed at 140 between P and V in the new P&L ratio 3:2. तो एक रिटायर होगा आर और बाकी के बच्चे दो पार्टनर पी एंड बी, तो उन्होंने तय किया कि हमारी टोटल कैपिटल इतनी होगी और वो इस रेशियो में होगी, ठीक है? सर प्रोजेक्शन ना कैलकुलेट एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज विथ वर्किंग नोट्स एंड ऑल्सो प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है और कितनी अमाउंट कौन लेके आएगा और कौन ले जाएगा, ये तो एक सिंपल सी बात है कि आपको प्रोजेक्ट करना है, ये तो प्रोजेक्ट के कैपिटल, ठीक है? आपको कैपिटल बताई गई कि इतनी कैपिटल हमें रखनी है, हाउ मच टू बी कैप्ट इज मेंशन्ड। तो हम देख लेते हैं व्हाट शुड बी द प्रोजेक्टेड कैपिटल, ठीक है? सो Let's start. First of all, we'll be writing their proposed capital. Capital to be kept. कितनी capital हमें उनकी रखनी है? Capital to be kept, right? And their actual capital इस तरीके से चलेंगे. It's total capital to be कैप्ट, ये बोला गया है हमें कि हमें इतनी कैपिटल रखनी है। टोटल इज गोइंग टू बी 1,40,000। ये जो प्रपोज्ड है टू बी कैप्ट,
ये कौन से रेशियो में होगी? इट शुड बी इन द रेशियो दैट इज 3:2, राइट? नेम ऑफ द पार्टनर्स आर इट्स पी एंड बी. अभी इसको हम 3:2 में डिवाइड करेंगे, 3/5 एंड 2/5, तो ये होगा 84,000 एंड इज गोइंग टू बी 56. नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू शो कि कैसे आया, वी नो दिस, कैसे कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. सो दिस इज टू बी, दिस इज प्रपोज्ड, ये होनी चाहिए, ठीक है. अभी एक्चुअल कितना है? Right? Their actual capitals also you are given, and that is 50 and 70 respectively. Right? It's their actual. So actual is 50 and 70. It's the actual. Chicken. So proposed itni hai, actual itni hai. राइट, माने प्रपोज ज्यादा है तो जो डिफरेंस आएगा, द डिफरेंस इज इफ इट इज इन प्लस, दैट मीन्स ही हैज टू ब्रिंग इट, ही सपोज टू ब्रिंग इट, एंड इफ द डिफरेंस कम्स इन माइनस, निकाल के देखना है कि भी होना कितना चाहिए है कितना. सो हियर यू कैन सी इट्स इन माइनस, सो दैट शोज इट्स गोइंग टू बी अ विथड्रॉल, उसको विड्रॉ करना है, ठीक है. तो यहां पे इसको हम बोल सकते हैं दैट दिस इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम एंड दिस इज गोइंग टू बी विड्रॉन बाय हिम. कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, सो वी नो द शरण इट्स कैश टू कैपिटल, और अगर कोई विड्रॉ कर लेता है देन इट्स गोना बी अपोजिट, कैपिटल टू कैश, इतनी ही सिंपल सी बात है, ठीक है. तो इस तरीके से देखे तो ये काफी सिंपल और आसान सी बात है कि जिसमें हम हमारे पास एक कैपिटल है जो इस वक्त की और एक जो होनी चाहिए, इन दोनों की कंपैरिजन ही सिर्फ करते हैं. अगर हमारी प्रपोज्ड कैपिटल जो एक्चुअल है उससे ज्यादा है तो उतना उसको लेके आना है कैश टू कैपिटल, पर इस वक्त ज्यादा है, रखनी है कम, तो विड्रॉ कर लेगा. If it's going to withdraw, it's going to be opposite. That way the receiver credit what goes out. Partner's capital account debited to cash account. बस और उस तरीके से उसका हम पोस्टिंग कर लेंगे, ठीक है. तो अभी हम आने वाले इस बिग सम में इसको देखेंगे, ठीक है. तो जो चीज हमने छोटे से सम में देखी अभी, उसका उपयोग एप्लीकेशन एक बड़े वाले सम में हम करेंगे, as I said it. And we are taking the liberty of changing the sequence. मैंने हमने 17 नंबर का देखा, फिर सीधा हम 20 कर रहे हैं. क्यों? जो चीज हमने एक छोटे सम में सीखी है उसका उपयोग किसी बड़े सम के लिए किया गया है. सो बेटर वे ये है कि जो छोटा वाला सम है उसको कॉरस्पॉन्डिंग, उसको कनेक्ट करता है उस टाइप का बड़ा वाला सम अगर इमीडिएटली हम देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सो कीपिंग दिस पर्टिकुलर व्यू इन माइंड, आई हैव डिसाइडेड टू चेंज द सीक्वेंस, राइट? सारे सम करेंगे लेकिन इस तरीके से कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो. Ideally, they should give it in this manner so that all students can understand it, but they haven't done it, so we will do it. Don't worry about that. So it's number 20. Karan, Fennel and Farshid are the partners in a firm sharing profits and loss in the ratio of their capitals and the balance sheet of their firm. They are like this. So you are given creditors, workmen compensation reserve, employee profit sharing fund, PAF and capitals. You are given goodwill, land and building, patent, machinery, bad debt, everything, bad debt reserve, right? Now here, now Farshid retires on the above date and partners decided following terms of the retirement. The new profit and loss ratio between Karan and Fennel is 2:3. So Farshid ke baad Karan Fennel ka ratio ye rahega. Goodwill of the firm is to be valued at 8. Mane nahi value. Ye goodwill ko hume close karna hai. Wo sari cheeze waisi ki waisi hai. Paid 60,000 for patent during the current year, which is for total 4 years. Right? Means you have to write up that. Okay. The seven comes. The machinery is to be depreciated at 10%. But if reserve is to be written off 3,000, so isme se hame change karna padega, right? Bad debt on data, right? So reserve mein some bad debt ko recover karenge. 20,000 is to be paid to Farshid. Market value of the stock is 54.
सर कैसे देखे तो सारे एडजस्टमेंट नॉर्मली जैसे किसी रिवैल्यूएशन में होते हैं बिल्कुल उसी तरह के हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। देन न्यू फर्म्स टोटल कैपिटल टू बी इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म की टोटल कैपिटल कितनी थी? ओल्ड कैपिटल की टोटल फर्म अगर अपन देखें यहां पे तो वो कितनी? इट्स 4 लाख, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको सीधा नहीं बोला गया है कि नई फर्म की कैपिटल 4 लाख रखनी है, नो आपको ये बोला गया है कि नई फर्म की कैपिटल पुरानी जितनी ही होगी। तो पुरानी की कितनी थी? 4 लाख, सो इट की 4 लाख होंगे, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, राइट। सो इन अ वे इट्स जस्ट लाइक द काइंड ऑफ सम व्हाट यू जस्ट न्यू फर्म्स टोटल कैपिटल विल बी इक्वल टू द टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म, माने 4 लाख। The entire capital of the new firm is to be kept in new profit and loss sharing ratio of current and firm. All necessary adjustments are to be made through bank. तो जो भी withdrawal करना पड़ेगा या introduce करना पड़ेगा वो cash bank में होगा। The prepared valuation account, capital account of the partners, bank account and balance sheet of the retirement of Farshid. ये सारी चीजें हमें करनी है, ठीक है। तो पहला वाला जो portion है preparation of revaluation account and transferring the result of revaluation to partners capital and all that, जो भी है, goodwill को close करेंगे, result distribute करेंगे, वो सारी चीजें जैसे हुआ करती थी वैसे ही होगी। आखिरकार जाके ये बात आएगी, still that it's gonna be the same what you've done so far, ठीक है। तो चलिए draw करके शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले इस समय हमें कुछ necessary calculations जो है regarding goodwill करने हैं। As we are given two ratios, we are given the old as well as new ratio. The goodwill का कुछ calculation हमें sacrifice gain ratio में करना है, ठीक है। So first of all, let's go for their both ratios. What was their old ratio and what is their new ratio, right? So we are told that they are sharing profits in their capital ratio, which is 2,120,080, right? So name of the partners are Karan, Fanir and Farshid. और उनका जो old share है, as I said that the capital was 2,120,080, तो उसको convert करेंगे comes to 5,3,2, and you can easily convert this, right? And their new share. Now, who retires? Right? So, the retiring partner is Farshid. And after his retirement, Karan and Fanil, they will keep the new ratio to raise to 3. So, we have him dekhen, this was divided by 10. But now it's gonna be divided by 5, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो अभी नॉर्मली सिचुएशन क्या है, रिटायरमेंट तो गेन होता है, तो गेन की फॉर्मूला अपन देखे हैं। सो इट्स न्यू माइनस ओल्ड, इट्स न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, माने नई सिचुएशन है उसको ज्यादा बेहतर माना जाता है, बिलीव दैट न्यू इज बेटर देन द अर्लियर वन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम सोचें, तो करण का नया रेशियो है 2/5 एंड द ओल्ड इज 5/10। सो हियर इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू 10, यू मल्टीप्लाइड बाय 2 एज यूजुअल, राइट। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स 4/10 माइनस 5/10 इज इक्वल टू माइनस 1/10। हियर वी कैन सी इट्स sacrifice, this sacrifice है क्यों? क्योंकि जो formula है वो gain की है और answer जो है वो minus में जा रहा है, ठीक है। So one of the existing is sacrificing, that is Karan, and highly gained by naturally the only one, that is Faniel. तो उसका नया ratio है 3/5, old है 3/10. इसको भी 10 में हम convert करेंगे, comes to 6/10 minus 3/10 is equal to 3/10. It's a heavy gain, ठीक है। तो दोनों पार्टनर्स है, वन ऑफ द रिटायरिंग दैट इज फरशीद एंड वन ऑफ द एग्जिस्टिंग दैट इज करण,
ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2/10 1/10 का, और वो पूरा इसके फेवर में जा रहा है 3/10। तो जो गुडविल ऑफ द फर्म है, न्यू गुडविल ऑफ द फर्म विच इज डिसाइडेड एट 80,000, अभी 80 को हमें 2/10 1/10 से मल्टीप्लाई करना है, वो जो भी आएगा रिस्पेक्टिव शेयर हो जाएगा 1/10, सो दैट कम्स टू 8,000, राइट, एंड 80 इनटू 2/10, सो दैट कम्स टू 16,000, ये 8,000 जो है इज गिवन बाय हिम, राइट, तो उसको क्रेडिट जाएगा, और ये फर्शीट जो है उसका है 16, ठीक है, सो दिस विल हेल्प व्हेन वी गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, फाइन, ओके. Now it's time to begin this sum, right? First, you have to begin with their opening balances as usual, right? Unki opening balance jo hai, that is 2,120,080. It's by balance per term. Okay? It's 2,00,000. Then it's 120. And 80. ठीक है, दूसरी चीज जो हमारे सामने आ रही है स्टेप बाय स्टेप हम चले, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, अभी उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है वो फ्री रिजर्व बन जाएगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, डिवाइड बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट, 12,000 हम 532 में अगर डिवाइड करें सो वो जाएगा 6,000 एंड 12,000 36,000 12,000 24, कुछ इस तरीके से वो डिवाइड हो जाएगा, राइट. दूसरी बात कि हमें गुडविल दी गई है इस फर्म में, और कोई रिजर्व तो है नहीं, लेकिन गुडविल है, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड, सो इट्स अ लायबिलिटी, बीएफ इज आल्सो लायबिलिटी. गुडविल दी गई है 40,000 की, तो क्लोज करनी है क्योंकि वो बैलेंस शीट में दी गई है, सो 40,000 विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन अगेन 532, सो यू हैव टू राइट टू गुडविल अकाउंट 532 में उसको डिवाइड करेंगे कम्स टू 20 12 8, फाइन. अब और कोई रिजर्व तो यहां पे बचा नहीं, ठीक है, लेकिन बैंक अकाउंट जो है उसके ओपनिंग बैलेंस में दी गई है 40,000, तो उसको हम लिख लेते हैं एज एन ओपनिंग बैलेंस ओवर हियर इन द बैंक अकाउंट, राइट, सो यू हैव टू राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट्स 40,000, ठीक है, इतनी बैलेंस हमारे पास थी, ये ओपनिंग बैलेंस. अब हमें स्टेप बाय स्टेप सारे एडजस्टमेंट को लेना है, तो पहला एडजस्टमेंट हमें दिया गया है कि न्यू पीएनएल रेशियो इज 100, तो वो जो है वो गेन के लिए था, वो हमने कर लिया. दूसरा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, और उसमें जो रिस्पेक्टिव शेयर आता था उसमें फर्शीद जो है उसका शेयर 16 था, एंड वन ऑफ द एग्जिस्टिंग दैट इज करण, ही इज आल्सो यू नो sacrificing, तो उन दोनों को क्रेडिट मिलेगा, those who sacrifice they should be credited, right, so ideally current sacrifices current should be credited, Farshid sacrifices Farshid should be credited, ठीक है, तो current जो sacrifice करता था 1/10, उसकी वजह से उसको 1/10 share goodwill में मिल रहा है 8,000, that's what we calculated, okay, same way Farshid is retiring and he is giving his share and his share is 2/10, तो इन दोनों को क्रेडिट मिलेगा, लेकिन किसकी ओर से, देयर इज नेचुरली द रिटायरिंग पार्ट, द एग्जिस्टिंग गेनिंग पार्ट, दैट इज फाइनल इज ओनली वन, यहां पर हम लिखेंगे बाय फाइनल्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज फॉर गुडविल, ठीक है, इन दोनों को क्रेडिट जाएगा और फाइनल डेबिट जाएगा, तो फाइनल के अकाउंट में डेबिट यही दो चीजें आएंगी, 8,000 दैट इज फॉर करण, 16,000 दैट इज गिवन टू फर्शीद, तो यहां पे उन दोनों के नाम हमें लिखने हैं, ये वी विल राइट टू
Current capital account. 2. Farshid's capital account. और ये दोनों चीजें हैं क्या? It's nothing but the goodwill given by Fanel to both the partners who sacrifice. ठीक है, जो सेक्रीफाइस करने वाले हैं उनको हमने दे दिया. तो ये काम खत्म हो गया. Now paid 64 patents during the year, which is for the total 4 years. इसका मतलब ये हो रहा है कि हमने एक नई एसेट परचेज की पैटेंट और इस ईयर की शुरुआत से उसको हमने लिया और वो 4 साल के लिए है. उसका 1/4 पोर्शन जो है राइट वो जाएगा evaluation में. जैसे यहां पर हमको दिया ही गया है पैटेंट. सो राइट नाउ यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग, यू ऑलरेडी पेड. मतलब कि इस साल के बिगिनिंग में ही हमने उसको शायद पे किया होगा. राइट, दैट इज फॉर टोटल 4 years. उसमें से 1 साल खत्म हो रहा है तो आज उसकी वैल्यू जो है 1/4 कम हो जाएगी. तो 60,000 का 1/4 अगर अपन देखे कम्स टू 15,000. सो दैट्स गोइंग टू बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन एज इज अ काइंड ऑफ अ राइटिंग ऑफ काइंड ऑफ अ डेप्रिसिएशन. राइट, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 patent account, it's 1/4, that's 15. और उसी चीज को हम यहां पर लिखेंगे as you know, after reduction, the value of the patent that becomes 45. 45,000 का हो गया. 60 का था, 1/4 year complete, 1/4 उसका जो हिस्सा था, 4 साल के पैटर्न हमने लिए, 1 साल खत्म हो गया. तो 1 साल जितना हिस्सा उसका हमें राइट ऑफ करना है टू बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन, तो वो हमने कर लिया. ठीक है, अभी आगे बढ़ते. मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. तो मशीन जो है वो है 80,000 की, उसका 10% करेंगे 8,000. सो इट्स गोना बी मशीन अकाउंट. मशीन अकाउंट लिख सकते हैं, डेप्री ऑन मशीन लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. एंड हियर वी विल राइट दैट डायरेक्ट डेप्रिशिएटेड वैल्यू दैट्स 72. तो ये नॉर्मल सी बात हो गई. इस तरीके से हमने काफी दफा काम किया है. राइट, ठीक है. देन बैड डेट ऑन द डेटर इज टू बी रिटन ऑफ एट 3,000. माने जो बैड डेट है ठीक है वो 3,000 आपको राइट ऑफ करना है. तो बाकी के 2,000 जो बैड डेट रिजर्व में बचे उनका क्या करना है? राइट, तो उस रिजर्व को हम क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारे पास रिजर्व पड़ा था 5,000 का, उसमें से 3,000 हमने राइट ऑफ कर ली. तो बाकी के 2,000 का रिजर्व जो है वो खत्म हो जाएगा. सो यू टू क्लोज दैट रिजर्व अकाउंट. राइट, सो हियर यू विल राइट बाय बैड डेट रिजर्व अकाउंट. वो कितना आ जाएगा? इट्स गोइंग टू बी 2,000. कैसे हुआ? तो हमारे पास 5,000 का रिजर्व था, उसमें से 3,000 हमने राइट ऑफ कर दिए. सो नेचुरली इट्स गोइंग टू बी रिटन ऑफ फर्स्ट आउट ऑफ द बैड डेट रिजर्व. जब भी आपके पास बैड डेट रिजर्व होता है तो बैड डेट पहले उसी में से राइट ऑफ होता है. तो हमने राइट ऑफ कर लिया. राइट, और बाकी का जो रिजर्व बचा था उसको हमने क्लोज कर दिया एंड वी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन. तो भी डेटर का बैलेंस जो है वो एज इट इज जितना है उतना का उतना ही रहेगा. माने नाउ नथिंग इज देयर टू बी रिटन ऑफ आउट ऑफ द डेटर्स. उसको हमने लिख दिया विद देयर नॉर्मल वैल्यू. राइट, दैट्स 32. क्योंकि 35 में से 3,000 हमने राइट ऑफ कर ली तो बचे 32, तो उसको हमने लिख दिया. नाउ 20,000 इज टू बी पेड टू फर्शीद. मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 54. 20,000 पेड टू फर्शीद को बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 54. स्टॉक की वैल्यू आपको दी गई है 53 और मार्केट वैल्यू है 54, सो इट्स इंक्रीज इन द वैल्यू. राइट, सो हियर वी विल राइट स्टॉक काउंट 1,000 और यहां पे भी हम लिखेंगे स्टॉक 54. ठीक है, इज द वे वी एंटर्ड. राइट, तो स्टॉक की वैल्यू हमने लिखी. फर्शीद को हम 20,000 देंगे, लेकिन सबसे पहली बात यह है
कि हमें रिवैल्यूएशन का रिजल्ट फाइंड करना है और सभी के बीच में उसको डिवाइड भी कर देना है। ठीक, फिफ्टीन प्लस 823। अब हम देख सकते हैं कि क्रेडिट इज वेरी स्मॉल, सो इट्स लॉस should be added in the old ratio 5, 3 and 2. Tino partner jo hai, Karan, Panil and Farshid. Chali. To 5, 3, 2 mein agar hum 20 ko divide karte hai, comes to 10. Sorry. Then 6 and 4. इस तरीके से जाएगा, ठीक है? It's going to be debited to partner's capital account. It's going to be over here. It's revaluation account. It's a loss. The loss है. 10,000, 6,000, 4,000. Right? चलिए. This is the way we have to debit it. Now, we can think about the payment. Farshid ko 20,000 denge ye bola hai. So in Farshid's capital account, you would write on the debit side, that's to bank, by 20,000. So Farshid's capital to bank, which aisa jayega, right? Bank account in Farshid, it's gonna be 20. और बैंक में यही चीज क्रेडिट जाएगी, इट्स बाय फरशीद्स कैपिटल अकाउंट। फरशीद्स कैपिटल अकाउंट ऐसा हम बैंक में भी क्रेडिट लिखेंगे, बिकॉज वी आर पेइंग एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, तो ये हमने कर दिया। अब जो है वो है an important working note or important baat jo hai wo hai the last adjustment. The new firm's total capital will be equal to the total capital of the old firm. An old firm mein hamare paas jitni capital thi utni new firm mein hum maintain karna chahte hain, ye tay kiya. Theek hai, to us situation mein hame kya karna hai? To pehle hame ye dekhna hai ki agar नई फर्म की जो कैपिटल है उसको हम उसके नए रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितनी जाएगी। सिंपल सा छोटा सा कैलकुलेशन हमें करना है, राइट? एंड दैट वी कैन मैनेज ओवर हियर ओनली। ये जो छोटी सी जगह है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट डिफरेंशिएट, यहाँ से छोटा सा इसको हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है? We'll add it over here. Balance sheet यहाँ पे add हो जाता है, तो ये जो portion हमारे पास बचता है उसमें calculation कर सकते हैं, right? Simple सी calculation इतनी दिखानी है कि total capital of the new firm will be equal to the total capital of the old firm. तो old firm के capital कितनी थी? 4 lakh. तो फिर 4 lakh को अगर हम दोनों partner में divide करेंगे उसके ratio में, उसका नया ratio क्या है? That's 2:3. ठीक है? तो इसको हम अगर 2:3 में डिवाइड करते हैं तो किसको कितना मिलेगा, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं कि करण का रेशियो है 2/5, तो करण उसको मिलेगा 2/5, तो कैसे आएगा? 4 lakh इंटू 2/5। जो 4 lakh इंटू 2/5 हम करते हैं तो हमें कितना मिलता है? दैट कम्स टू 160. This will be the new capital of Karan. ठीक है? और Fanil, Fanil की capital कितनी होगी? So Fanil's capital is gonna be 3/5, right? The 3/5 उसका capital जाएगा, ठीक है? तो total जो capital है उसका 3/5 portion जो है वो Fanil को मिलेगा, that comes to 240. So this are going to be their closing capitals.
कि जो क्लोजिंग कैपिटल है ठीक है वो कुछ इस तरीके से जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी देयर क्लोजिंग्स। तो ये हो जाएगी उनकी डायरेक्टली बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। थोड़ा सा आसान काम करेंगे आप, हम लोग दिखेंगे नहीं, डिफरेंस नहीं निकालेंगे, डिफरेंस अपने आप अकाउंट ही निकाल देगा। हमें डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं, जो हमने अगले वाले समय किया था वो हमने फाइंड किया था, यहां पे ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा देख लेते हैं, राइट। तो यहां पे हम उनका जो अकाउंट है उनको क्लोज करते हैं, और फरशीद जो कि रिटायर हो रहा है उसको हमने कुछ अमाउंट को कैश में दे दिया है, बाकी के अमाउंट जो हमने उसको नहीं दिए उसका क्या करेंगे। तो पहले वो बात भी खत्म कर लेते हैं कि चलिए अभी उसका क्या करना है। सो लेट अस क्लोज फर्स्ट ऑफ ऑल फरशीड्स कैपिटल, कैपिटल को हम क्लोज करें। तो फरशीद के कैपिटल को क्रेडिट देखें, सो इट्स एडी 24,16,000 तो क्रेडिट चाह रहा है 98,400 में। सबसे पहले हम रिटायरिंग पार्टनर का काम खत्म करते हैं ठीक है, ताकि बाकी का काम अच्छे से हो सके। तो इस 98,400 में ये अगर हम 32 निकाल देंगे तो कितना बचता है, दैट कम्स टू 66,400। दिस इज नथिंग बट फरशीद्स लोन अकाउंट, फरशीड्स लोन अकाउंट का भी 66,400। इसको यहाँ पे हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, पहली दो हम चीज लिखेंगे वो पार्टनर्स की कैपिटल होगी ठीक है, करंट और फाइनल की, वो हमें हमें भी फाइंड करनी है, यही वाली होगी राइट। कैपिटल ऑफ करंट ठीक है, फरशीद की, फरशीद की लोन, लोन ऑफ फरशीद, फरशीद्स लोन 66,400 राइट। तो ये काम हमने खत्म कर दिया जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका राइट। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये देखना है कि आइडियली किसको कितना विड्रॉ करना पड़ेगा और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके लिए हमने अगले वाले सब में क्या किया था, हमने सेपरेटली कैलकुलेट किया था कि इनकी इस वक्त बैलेंस कौन सी है, हम फाइंड करें वर्किंग नोट में उसको लिखे, फिर उसको इस प्रपोज से कंपेयर करें दैट दिस शुड बी राइट, और फिर जो डिफरेंस आएगा वो हम कैश बैंक में लिखेंगे। इस वन वे, अब यही सारी चीजें यहीं पे अगर मैं करनी है तो उससे भी ज्यादा आसान तरीका है, और वो क्या है देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें बता दिया गया है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल कितनी रखनी है, व्हाट शुड बी द क्लोजिंग कैपिटल, तो हमारे पास पहले से ही है, दिस इज गोइंग टू बी द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ करंट, दिस शुड बी द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ फाइनल। तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल को पहले यहीं पे लिख देते हैं, दिस शुड बी, क्योंकि यही रखनी है। सो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इट्स 160,240, ये हो गया, और यही यहां पे जाएगा करंट एंड फाइनल 160,240 राइट। ये कैपिटल है, यही रखनी है। अब इसको बनाने के लिए जो डिफरेंस आएगा, इधर दिस पार्टनर विल ब्रिंग इन और ही विल विथड्रॉ ठीक है, तो इतनी कैपिटल उसकी बनानी है। अब देखते हैं क्रेडिट डेबिट का डिफरेंस देखते हैं, जिस साइड पे डिफरेंस आएगा वो बैंक जाएगा। सपोज डिफरेंस कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, देन ही हैज टू ब्रिंग इन बैंक टू कैपिटल, एंड वाइज वर्सा, अगर डेबिट जाएगा तो कैपिटल टू बैंक, कुछ इस तरीके से। सो इंक्लूडिंग दिस अमाउंट वी हैव टू टोटल राइट। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इट्स 2,08,006 ऐसा, सो इट्स 240। तो ये जो है 160 प्लस 3,190 जाएगा। सो दिस इज स्मॉलर, दिस इज बिगर, सो लेट्स राइट ओवर हियर 2,14,000। इस 2,14 में से हम ये सारी चीजें निकाल देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट कम्स टू 24। दिस अमाउंट ऑफ बैंक, माने इतना उसको विड्रॉ करना है ठीक है, उसकी अगर हम
कैपिटल देखें तो 160 से ज्यादा हो रही थी, तो इस 214 में से 30 को निकालेंगे, बैलेंस यूज्ड टू बी 184, लेकिन उसको घटा करके हमें 160 में लाना है, दैट मीन्स इज सपोज टू विड्रॉ इट. फाइन, करंट इज सपोज टू विड्रॉ इट. ओके, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कुछ ऐसा होगा. यहां पे हम बैंक लिखेंगे तो बैंक में क्रेडिट जाएगा डिपॉजिट, तो यहां पे क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय करंट्स कैपिटल अकाउंट इट्स 24. दिस वे वी कंप्लीटेड दिस पोर्शन. एक साथ दो तीन चीजें हो रही है, आपको सेपरेटली कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, यहीं पे सब हो जाएगा अपने आप. ठीक है, यही प्रोसीजर हम फाइनल के लिए भी फॉलो करेंगे. फाइनल की बैलेंस होनी चाहिए 240, अभी उसके ओपनिंग ही 120 है प्लस 3600, सो नेचुरली ही इज हैविंग वेरी लेस अमाउंट विद हिमसेल्फ. बहुत ही कम पैसा उसके पास उसको रखना ज्यादा है, इज गेनिंग मोर. सो हियर यू कैन क्लियरली सी दैट इज डेबिट टोटल इज बिगर. द डेबिट का टोटल जो बिगर हो रहा है दोनों साइड लिख लेते हैं, दैट कम्स टू लाइक एन 82,000. ठीक है, सो दिस इज इट्स टोटल. अब उसमें से उसका क्रेडिट निकाले जो भी है, इस 120 एंड 3600 दो ही चीज है उसको निकालेंगे. सो डिफरेंस इज अ ह्यूज, इज 158,400. दैट्स व्हाट इज सपोज टू ब्रिंग इन, उसको लेके आना है बैंक अकाउंट. सो बैलेंसिंग फिगर यस टू ब्रिंग इन. सो जनरल एंट्री इज गोइंग टू बी बैंक टू फाइनेंस कैपिटल, बैंक अकाउंट में डेबिट जाएगा. सेकेंड इफेक्ट, यहां पे हम क्रेडिट लिखेंगे तो बैंक में डेबिट लिखेंगे नेचुरली. सो इट्स फाइनेंस कैपिटल अकाउंट इट्स 158,400. राइट, चलिए तो ये सारी चीजें खत्म हो गई. बैलेंस कितनी रखनी थी हमने पहले लिख दी. अब एक ही चीज की बैलेंस हमें फाइंड करनी है, दैट इज द बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट. ये सारी चीजें करने के बाद क्या हुआ, इट्स गोना बी देयर न्यू बैलेंस, लेट्स फाइंड इट. तो यहाँ पे डेबिट का टोटल जा रहा है 198,400. ठीक है, और उसमें से हम ये 44 माइनस करते हैं, कम से 154,400. दिस शुड बी देयर बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड, और यहीं पे जाएगा बैंक 154,400. ठीक, तो अपने आप वो पॉइंट एडजस्ट हो गया कि इतनी कैपिटल हमें रखनी है इस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में या रेशियो में. इसके लिए सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, वो पहले वाला समझो हमने कैलकुलेट किया, उसने बेस बना दिया हाउ टू थिंक. यहाँ पे उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर ही हो गया, यू आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट इट सेपरेटली. एक ही चीज आपने कैलकुलेट की कि होना कितना चाहिए, बस बात खत्म. दिस वॉर यूर डन, दिस शुड बी, ये होनी चाहिए, बस वो हमने कैलकुलेट कर लिया. अब बैलेंस शीट में और जो भी असेट्स बची है, लाइबिलिटीज बची है जिसके ऊपर एक भी एडजस्टमेंट नहीं था, उसको हम एज इट इज वैल्यू से लिख लेते हैं एज यूजुअल. ठीक है, तो क्रेडिटर के ऊपर इस पर्टिकुलर सम में एक भी एडजस्टमेंट नहीं था, सो क्रेडिटर्स आर गोना बी द सेम 16. फिर एम्प्लॉयज प्रॉफिट शेयरिंग फंड, दैट्स आल्सो काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी, सो एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड दैट्स 30, उसको भी हम लिख लेते हैं एज इट इज वैल्यू. देन इज पीएफ 45, वो भी हम लिख लेते हैं. पार्टनर की लोन तो हमने पहले लिख दी, कैपिटल भी लिख दी है, और कुछ बचा नहीं. राइट, सो यू कैन टोटल दिस, राइट, दैट कम्स टू 7,400. असेट साइड अगर अपन देखें तो पेटेंट का हमने लिख दिया 45,
मशीन के नए वैल्यू लिख लिए, डेटर्स भी लिख लिए, राइट, स्टॉक की नए वैल्यू, बैंक बैलेंस वो भी मैंने लिख लिया, और एक और असेट अभी बची है लैंड एंड बिल्डिंग जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था. सो वी विल राइट विद देयर एज इट इज वैल्यू इट्स 2 लाख. ठीक है, तो अभी अपन डेबिट क्रेडिट दोनों का टोटल कर लेते हैं. राइट, इट्स गोना बी द सेम 27,400 the way we have completed the sum. It's the end of the sum. It's gonna be somewhat, you know, even more complex than the admission sums. So some ki admission ke uske comparison mein thoda sa complex hai. Bas ek choti si baat hame dhyan mein rakhni hai ki difference to hai wo bank ka cash mein jayega as per the instruction. Theek hai, thank you very much.